अपना ये रॉयल घर है, घर में है कितना अपनापन। अपना ये रॉयल घर है, घर में है कितना अपनापन। पर उल्टा पुल्टा हो जाता है जब आती है पड़ोसन। पड़ोसन 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 पड़ोसन। अयो भुलेश्वर भुलेश्वर कहाँ मर गया ये भुलेश्वर भुलेश्वर। ये बत्तीसी काय को बताता जी। मम्मी आपके अकल पे हंसी आ रही है मुझे। क्यों? मुर्दे लोग बोला नहीं करते ना। बकवास बंद कर भुलेश्वर। और मैंने नाश्ता का बोला था, उसका क्या हुआ? तो फिर ये भुलेश्वर कहाँ मर गया, भुलेश्वर कहाँ मर गया? ऐसा गला फाड़ के चिल्लाने की जगह अब मुझे प्रेम से नहीं बुला सकती थी। भुलेश्वर मेरा नाश्ता कहाँ है? अरे प्रेम से बुलाना चाहिए आपने मुझे। देखिए मेरा वजन भी कितना कम होते जा रहे हैं, कितनी भाग दौड़ करवा रहे हो मुझे। तुम नाश्ता लेके आओ। आता हूँ। बेबी की शादी के बाद सबसे पहला काम मैं इस निकट को निकालने का करेगा। इसके जैसा बदमाश तो कहीं भी पैदा नहीं हुआ होगा। आ मम्मी, मम्मी जी बैठे 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 मम्मी जी बैठे। मम्मी जी दूध बिस्कुट खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हेलो। हाँ मालूम नहीं। हाँ 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 कैसे हो? अच्छा भाभी जी की तबीयत कैसी है? क्या कहा, मायके गई है? ओहो फिर तो आपकी निकल पड़ी होगी ना। अच्छा बच्चे बच्चे साथ में लेके गई है या फिर यहीं पे छोड़ के गई है? क्या कहा, बच्चे ही नहीं है? शादी को कितना वक्त हुआ? 4 महीने और भाभी मायके चली गई। आप एक काम कीजिए, आप ऐसी अफवाह उड़ा दीजिए कि आपका आपकी पड़ोसन के साथ अफेयर है। अरे दौड़ती चले आएगी। अच्छा जय राम जी की। थैंक यू ओके। खाओ मम्मी बिस्कुट खाओ। किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर था। तुम रॉन्ग नंबर पे इतना कैसे बोल सकता? तो क्या हो गया, सही नंबर पे तो सब लोग बात करते, लेकिन रॉन्ग नंबर पे मेरा जैसे एक्सपर्ट ही इतना बतिया सकता है। बात बंद करो, ये बिस्कुट का टेस्ट कुछ अलग लगता है। कौन सा बिस्कुट है ये? क्या हुआ मम्मी, घर में दूसरा बिस्कुट नहीं था इसलिए मैंने आपको कुत्ते का बिस्कुट दे दिया। हाँ तो क्या हो गया, जो बिस्कुट मैडम का कुत्ता खा सकता है वो मैडम की मम्मी नहीं खा सकती? देखो मम्मी वो दूध में बाल बिल तो नहीं गिरा है? क्यों? बिल्ली ने मुंह मारा था ना, तो शायद उसके मूंछ का बाल गिर गया होगा। अयो अयो हम तुमको मार डालेगा। क्यों सरकार को इतना खर्चा करवाती हो? क्या मतलब? आप मुझे मारोगी आपको फांसी हो जाएगी, तो आपके भारी शरीर को लटकाने के लिए फांसी का फंदा भी स्पेशल बनवाना पड़ेगा ना। अयो मुंह मत देखो, जाके दरवाजा खोलो। आज ये चांस मैं आपको देना चाहता हूँ, जाइए दरवाजा खोलिए और एंजॉय कीजिए। इडियट, जाके दरवाजा खोलो नहीं तो जान से मार डालेगा। ओके मैं तो एंजॉय करता ही हूँ। लेके तुझे कोई ऐसे गगन के तले जहाँ डोर भी न हो डोर बेल भी न हो, बस भुलेश्वर भुलेश्वर रहे। आइए 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 आइए। मम्मी जी आपकी बेटी की नैया पार लगाने वाले खेवैया आए हैं। ओह जेंटलमेंस, कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। कब तुम जाओगे, कब हमारे राजा से बात करोगे और कब हमारी शादी का मुहूर्त निकलेगा? प्रिया जी जो मजा बिरहा के तड़प में है वो मिलन में कहाँ, लेकिन वो आपको अभी पता नहीं चलेगा जब आपकी शादी होगी और आपकी हरकतों से तंग आकर आपके पति आपको घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा। जानमन बुल्स, हमारी शादी हो जाने के बाद खटमल की दवा में बर्फ डालकर इसे जरूर पिला देना। लेडी मैं ठंडा नहीं पीती और आजकल वैसे भी मेरा गला खराब रहता है। तो घोट दूं? क्या आपका गला? अयो भुलेश्वर बकवास ही करता रहेगा या मेहमानों को चाय के लिए भी पूछेगा? नहीं नहीं हम लोग घर से चाय पानी पीकर ही आए हैं। हाँ बस ये बताइए आपके यहाँ से कौन चल रहा है राजा जी के घर? मैं चलूंगा ना। अयो तुम उधर जाके क्या बोलेगा? बोलेगा मैं मैडम का केयर टेकर एंड गार्डियन हूँ। क्या तुम और हमारे केयर टेकर और गार्डियन? सही कह रहा हूँ मैडम, आपके खाने पीने का सोने ओढ़ने का बंदोबस्त कौन करता है? मैं।
आपके अनवांटेड गेस्ट और टेलीफोन कॉल्स कौन अटेंड करता है? मैं, यानी कि मैं आपका केयर टेकर एंड गार्डियन हुआ या नहीं? बॉस, आइयो आइयो बेबी, गुस्सा मत करो, पागलों के मुंह नहीं लगते बेबी। इसलिए तो मैं आपके मुंह नहीं लगता हूँ। अरे माँ जी, आप हमारे साथ चलिए और इसे भी चलने दीजिए ना। हाँ हाँ, लेने देने की बात करने के लिए घर का कोई तो आदमी चाहिए ना। ठीक है बुलेश्वर, तुम्हें जाओ और ड्राइवर को बोला कि गाड़ी निकाले। दो गाड़ी मंगवा लूं? क्यों, एक तो आपको चाहिए ना। क्या बोला तू, क्या बोला? अरे चलो 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 चलो